नमस्कार दोस्तों, क्लिप्स एंड फैक्ट्स चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हालात कैसे भी हों चलना ही है, मुश्किलें कैसी भी हों आगे बढ़ना ही है। पिछले साल लॉकडाउन के बाद से करीब एक साल बाद मुझे दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने का अवसर मिला। यह जो वीडियो है, ये अभी जो लॉकडाउन है उससे ठीक पहले का वीडियो है। क्या कुछ बदलाव आया है दिल्ली मेट्रो में और दिल्ली मेट्रो की यात्रा करने वालों में, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से साझा करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिप्स एंड फैक्ट्स। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोज आसानी से मिलते रहेंगे। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो दिल्ली मेट्रो भारत की राजधानी दिल्ली और NCR में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाज़ियाबाद और फरीदाबाद को जोड़ने वाली एक परिवहन व्यवस्था है। जो कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। दिसंबर 2002 में सहादरा 30,000 लाइन से इसका, ये जो दिल्ली मेट्रो है, इसका शुभारंभ हुआ था। यहाँ हर स्टेशन, ये जो दिल्ली मेट्रो है, हर स्टेशन पे करीब करीब 20 सेकंड के लिए रुकती है और दिल्ली NCR में जो भी रहने वाले हैं उन लोगों के लिए यह बिल्कुल एक लाइफ लाइन की तरह है। कहते हैं कि दिल्ली मेट्रो दुनिया की नवीं सबसे लंबी मेट्रो प्रणाली है। प्रतिदिन इस दिल्ली मेट्रो में करीब, ये जो दिल्ली मेट्रो है, करीब 2700 ट्रिप संचालित होती हैं और औसतन 25 से 26 लाख लोग प्रतिदिन इसमें यात्रा करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस समय सावधानी बहुत ज़रूरी है। मास्क के बिना आप दिल्ली मेट्रो में यात्रा नहीं कर पाएंगे और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। कोरोना संक्रमण जो है उसको रोकने के लिए इस दिल्ली मेट्रो में हर सीट पर आप देखेंगे अगर, तो हर सीट पर जो है वो अल्टरनेट सीटिंग अरेंजमेंट है, मतलब एक सीट छोड़ करके आपको बैठना है। वहाँ पर जगह जगह जो है चेतावनी कह लें, आपको हिदायत अलग अलग तरह से दी हुई है, स्टिकर्स लगाए हुए हैं। इवन जो खड़े रहने के लिए भी जगह जगह जो है स्टिकर्स लगाए हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। समय कठिन है लेकिन गुजर जाएगा और अगर हम सावधानी से रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हम सभी जानते हैं आजकल हर जगह ये अनाउंस किया जा रहा है कि 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, तो इसका हम सभी को पालन करना है और दूसरों से भी इसको पालन करने के लिए बोलना है। जहां पर भी आपको लगता है वहां पर आप ज़रूर कहें कि आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दोस्तों, क्लीन और ग्रीन दिल्ली मेट्रो को स्वच्छता और पर्यावरण के हिसाब से भी कई सारे प्रमाण पत्र अर्जित हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और जो भी अगर ट्रेन, मतलब मेट्रो ट्रेन के अंदर की बात करें तो काफ़ी क्लीन है। करीब 19 साल से यह अनवरत लगातार दिल्ली NCR क्षेत्र में सेवा देने वाली दिल्ली मेट्रो इस समय भी आपको यह सेवा प्रदान कर रही है। अंदर में आपको जो यात्रा का रूट है, अलग अलग जो मेट्रो की लाइंस हैं, ब्लू लाइन, येलो लाइन, इस तरह की जो लाइंस हैं उनका डिटेल आपको ट्रेन के अंदर ही मिल जाता है और समय समय पर आपको जो भी आने वाला स्टेशन है उसका अनाउंसमेंट भी मिलता रहता है। दोस्तों, मैंने देखा अभी, जैसा मैंने बताया कि लॉकडाउन से ठीक पहले की
अभी जो ये लॉकडाउन चल रहा है उससे ठीक पहले का ये वीडियो है, और उस समय भी हमने देखा कि जो दिल्ली मेट्रो में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, मैंने ऑलमोस्ट सभी को देखा कि वो पूरी तरह से जो भी वहाँ में दिशा निर्देश हैं, जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं कोरोना संक्रमण को देखते हुए, उसका लोग पालन कर रहे हैं सभी लोग। उसमें वैसे ही मैंने कहा कि आपको बिना मास्क के एंट्री नहीं है, तो सभी लोग जो है उसके अंदर प्रॉपर मास्क लगा करके ही सफ़र कर रहे हैं। और ये अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर हम खुद सावधानी बरतेंगे तो खुद भी सुरक्षित रहेंगे और औरों को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो दिल्ली मेट्रो के ऊपर मैंने बनाया था। उम्मीद है जल्द ही सब कुछ नॉर्मल होगा और हम सभी ये इस दौर से बाहर निकलेंगे। और इसके लिए हमने, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार द्वारा जो भी सुझाव दिए गए हैं, जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उनका हमको पालन करना है। और जो भी आपके साथ हैं या जहाँ आप सफ़र कर रहे हैं, उनसे भी उसका पालन करने के लिए कहना है। इसी अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो जल्द ही हम इस जो कठिन दौर है ये, इससे हम बाहर आ पाएंगे। तो दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के ऊपर मेरा ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लिप्स एंड फैक्ट्स।